أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

उसने हम और आप सबको यहाँ उसके घर में कुछ देर तक बैठने दीन की बातें सुनने सुनाने का मौका अता फ़रमाया है आज की इस मजलिस में मुझे जिस उनवान पर गुफ्तु करनी है वो वान है हम गुनाहों से कैसे बचें एक मुसलमान की हैसियत से हम सब ये बात जानते हैं कि हमारी ये दुनियावी जिंदगी आखिरत की खेती है हम यहां अमल करते हैं और इसका बदला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक से पाने की उम्मीद रखते हैं हम अगर यहां गुनाह करते हैं और अल्लाह ताला के पास अगर मुआफ़ी ना मिले तो ये बात हम सब जानते हैं कि उन गुनाहों की सज़ा हमें दुनिया में भी मिल सकती है और आखिरत में भी अल्लाह तबारक चाहे तो अपने गुनाहों की सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी एक मुसलमान की हैसियत से ये बात हम सब को मालूम है जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है उसमें यही बात अल्लाह ने बयान फ़रमाई कि मोमिनों की पहचान है कि मोमिन व लदी न यजतनीबू न कबास्म ये मोमिन ऐसे होते हैं कि ये बड़े बड़े गुनाहों से और बेहयाई के काम और बेहयाई की बातों से बचा करते हैं क्यों बचते हैं इसलिए कि उनको पता है कि गुनाह अपनी कीमत वसूल करता है गुना हमारा पीछा नहीं छोड़ता अल्लाह ताला से हम मआफ़ी मांग कर मआफ़ी तलाफ़ी कर ले जाएं तो बहुत हमारी शदत की बात है वरना ये गुना दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे हमारी और आपकी नाकामी ना मुरादी हमारे और आपके नुकसान हमारे और आपके घाटे का ज़रिया बनता है इसलिए एक मुसलमान की हैसियत से हम सब जानते हैं मानते हैं इस पर ईमान रखते हैं कि हमें गुनाहों से बचना चाहिए हमें गुनाहों से परहेज करना चाहिए लेकिन इसके बावजूद ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जानते हुए मानते हुए इस पर ईमान रखते हुए भी अक्सर हम गुनाहों से बचने में नाकाम हो जाते हैं दिल में इरादा होता है कि गुनाह नहीं करेंगे लेकिन फिर भी गुना कर बैठते हैं कई बार ऐसा होता है कि आदमी एक गुनाह के बाद एहसास नदामत में डूब कर यह तय करता है कि नहीं अब तक तो हो गया इसके बाद नहीं करूंगा लेकिन फिर भी आदमी से गुनाह सरजद होता है ऐसा क्यों होता है कि आदमी चाह कर भी कई बार गुनाहों से नहीं बच पाता है और ऐसा क्यों होता है कि आदमी इरादा करके भी नाकाम हो जाता है हम और आप गुनाहों से बचने के मामले में पीछे क्यों रह जाते हैं क्या कमजोरी हमारे अंदर आ जाती है अज़ीन गिरामी उसकी वजह ये है कि हमारे पास गुनाहों से बचने का इरादा है लेकिन गुनाहों से बचने का तरीक़ा नहीं है हमारे पास नीयत है हम और आप आज़म करते हैं कि हम गुनाहों से बचेंगे लेकिन गुनाहों से बचने का रास्ता क्या है तरीक़ा क्या है इस्बाब क्या हैं इनाब को जानने और पहचानने में हम और आप अक्सर बेशतर कोताही करते हैं और उसी का नतीजा है कि इरादे के अतबार से तो हम पक्के होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली अमलन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते हमारे और आपके दीन का ये कमाल है कि इस दीन में अल्लाह तबारक ने प्यारे नबी अलैहि वसल्लम के जरिए हम और आपको गुनाह क्या है इससे ये बताया भी गुनाहों से बचने का हुक्म दिया भी उससे आगे बढ़कर गुनाहों से कैसे बचा जाता है किन बातों को अपनाकर हम अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं अल्लाह तबारक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिए हुए अपने इस दीन में इन बातों को भी बयान किया हुआ हमारी और आपकी जिंदगी में जिस चीज का सबसे ज्यादा हमारी और आपकी जिंदगी में असर है वो यही है कि हम और आप इन बातों से ना वाकिफ हैं या इन बातों से दूर हैं इन बातों से हमारा और आपका रिश्ता और ताल्लुक कमजोर है इसी का नतीजा है कि गुनाहों से बचने का इरादा रखते हुए भी हम और आप अक्सर वेशतर गुनाहों से बचने में नाकाम हो जाते हैं इसीलिए आज की इस मजलिस में यहखब किया गया कि हम गुनाहों से कैसे बचें इस सिलसिले में कुरान सुन्नत में और सलफ साल की जिंदगियों में अहल इल्म के तजरबात में हम और आपको क्या हिदायत मिलती हैं आप यकीन माने बड़ी तफसील इसके हम और आपको मिलती है हम गुनाहों से बचना चाहें तो हमें किन किन बातों को अपनाना चाहिए किन बातों का लिहाज रखना चाहिए बहुत सारी बातें हम और आपको इसमें मिलती हैं मैंने आज की मजलिस के लिए दस बातों का इंतखब किया है आपके सामने कम से कम इन बुनियादी दस बातों पर हम मेहनत करेंगे अल्लाह के फदलो करम से इन इन गुनाहों से बचने का मामला हमारे लिए आसान होने लगेगा और अल्लाह ने चाहा तो हम गुनाहों से अपने आप को बचा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे ये दस बातें मैंने आपके सामने मुंतखब की हैं इब्तदा ही मैं बता दू ये मुंतखब दस बातें हैं यही दस बातें नहीं हैं यही दस बातें नहीं गुनाहों से बचने की बहुत सारी और बातें हो सकती लेकिन ये दस बातें आज के लिए अपनी अमली जिंदगी में सुधार लाने के लिए ने मुंतखब की और दूसरी बात यह भी आपके सामने बता दूं कि वक्त चूंकि महदूद होता है ऐसी मजलिसों में तो इन दस बातों में से हर बात की तमाम तफसीलात और जुजियात भी आपके सामने नहीं रख सकते सिर्फ मुझे आपके सामने दस बुनियादी बातें रखनी है कि इन दस बातों पे हम और आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह के फदलो करम से हमें अपने आप को गुनाहों से बचने में बड़ी मदद मिलेगी और यही आज की हमारी मजलिस का पैगाम है अगर हमने इनको समझा याद रखा याद न हो तो बार बार सुना और अपने आप को याद दिलाते रहे फ्रम से यह बातें बड़ी और बड़ी मददगार साबित होगी हमारी और गुनाहों से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहली बात है कि आदमी को गुनाह क्या है और कौन सी बात गुना है कौन सी बात गुना नहीं है इसकी पहचान हासिल करनी पड़ेगी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा मसला क्या है आपको मालूम है बहुत सारे गुना ऐसे हैं हम जानते हैं ये गुना है जैसे आपसे पूछे शराब पीना गुना है जीना गुना है चोरी गुनाह है सूदखोरी गुनाह है लोग जानते हैं ये मानते हैं लेकिन वही बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जिनको लोग गुनाह नहीं समझते हालांकि इस्लामी शरीयत की नजर में उनकी हैसियत गुनाह की है उनका मामला गुनाह का है उनका दर्जा गुनाह का है अगर आदमी गुनाह को पहचानेगा तब उससे बचने का इरादा और आज़म करेगा ना जब आदमी किसी चीज को गुनाह समझता ही नहीं है तो फिर उससे बचने की कोशिश क्यों करेगा आज आप देखें हमारी माशरती जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते जैसे मिसाल के तौर पर तिजारत में मार्केट में झूठ बोलना लोग कहते हैं भाई इसी से कारोबार चलता है और सब करते हैं इसलिए गुना नहीं है लोग इसे गुना नहीं मानते मार्केट में बिजनेस कारोबार ऐसे ही चलता है छोटा मोटा झूठ चलता है कारोबार में लोग इसे गुना नहीं मानते कि ये कारोबार में झूठ बोलना जो है ये हराम है ये गुना है लोग इसे गुना नहीं मानते कहते हैं इसी से चलता है और चूंकि सब बोलते हैं वो मुझसे बोलता है मैं उससे बोलता हूं इसलिए कारोबार में झूठ चलता है बगैर झूठ के हमारे और आपका मामला नहीं चलता ये हमारी और आपकी गलत फहमी है कितने ऐसे मामला हैं समाजी और माशरती जिंदगी में मिसाल के तौर पर, पर पर्दे के मामला में आप देख लें कि एक बालिग लड़का एक बालिग लड़की जो महरम रिश्तेदार हैं महरम रिश्तेदार के अलावा किसी और को देख नहीं सकते तनहाई में रह नहीं सकते बातचीत नहीं कर सकते फोन पर बात करना चैट करना जो भी करना रिश्तेदारों में आपकी खालाजाद बहन मामोजाद बहन फूफीजात बहन चचाजाद बहन या आपकी और थोड़ा दूर की बहने जिनको आप बहन कहते हैं लेकिन वो रिश्ते में बहन है लेकिन आपकी महरम नहीं है आपकी चची आपकी मामी ये आपके लिए महरम नहीं है ये जो रिश्तों नातों के रिश्ते नातों के अंदर हमारी और आपकी बद एहतियाती है इसका नतीजा यह है कि बहुत सारे काम गुनाह हैं हम उसे गुनाह नहीं मानते गुनाह नहीं समझते आप देखते जाएं हमारे और आपके अखलाक और आदात के अंदर जो हमारे और आपके आदात तो अतवार हैं कितनी ऐसी आदतें हैं जिनको हम गुनाह नहीं मानते हालांकि इस्लामी शरीयत की नजर में ये गुनाह है किसी को देख कर किसी की अच्छाई देख कर दिल में जलन महसूस हो गुनाह है हसद है गुनाह है लेकिन हम से बहुत सारे लोगों से गुनाह नहीं समझते आज हमारे समाज में गीबत इतना आम है इस कदर आम है कि लोग उसको गीबत नहीं समझते वो क्या कहते हैं मालूम है आप अगर उनसे कहें कि भाई किसी भी आदमी की बुराई उसके पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए तो जवाब क्या देते हैं पता है कहते हैं नहीं मैं सामने भी यही बात उनके बोल सकता हूं यानी उनको ये उनका मतलब ये है कि जो बात मैं सामने भी बोल सकता हूं या बोल सकती हूं अगर मैं पीछे बोलूं तो वो गुनाह नहीं है ऐसी कितनी ऐसी गलत फहमिया हैं जो हम और आपको बताती हैं कि हमने गुनाह को पहचाना ही नहीं है और उसका नतीजा ये कि हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह हैं हालांकि हम उनको गुनाह नहीं मानते गुनाह नहीं समझते और इत, इतना ही नहीं इस गुनाह की मारिफत में ये पहलू भी आपको देखना पड़ेगा कि एक पहलू ये भी है कि इस्लामी शरीयत की नजर में बहुत सारे गुनाह बड़े बड़े गुनाह हैं गुनाह कबीरा कबाइर में से हैं हालांकि हम उनको छोटा गुनाह समझते हैं मामूली गुनाह समझते हैं। गुनाहों की पहचान और गुनाहों के बारे में यह मालूम रखना कि बड़े गुनाह कौन से छोटे गुनाह कौन से वो कौन से गुनाह हैं जिनको हम मामूली समझते हैं लेकिन यह गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं यह हमारी और आपकी जानकारी में रहने चाहिए जब तक हम और आप इसकी इलाह नहीं कर लेते ना गुनाहों की पहचान हमें हासिल नहीं होगी हम बचने का इरादा ही नहीं कर सकते बहुत सीधी सी बात है कि जिस चीज का नुकसान आपको मालूम है उससे आप न बचेंगे आपको पता ही नहीं आपका नुकसान कहां से हो रहा है तो आप बचेंगे कहां से? इसलिए गुनाहों से कैसे बचें इस सवाल के जवाब में सबसे पहली बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि हम और आपको गुनाहों की पहचान होनी चाहिए नेकी करने के लिए नेकी की पहचान होनी चाहिए और बुराई से बचने गुनाह से बचने के लिए गुनाह की पहचान होनी चाहिए और गुनाहों में भी खास तौर पर जो बड़े बड़े गुनाह हैं जिनको हमने मामूली समझा हुआ है वो बड़ी बड़ी गलतियां वो बड़े बड़े गुनाह चाहे वो इबादात के दायरे में होने वाले गुनाह हो वो मामला के बाब में होने वाले गुनाह हो वो इंसान के जाती अखलाक के सिलसिले में होने वाले गुनाह हो गुनाह कोई भी हो गुनाहों की जानकारी हासिल करनी चाहिए दूसरे अल्फाज में आप यूं समझ लीजिए गुनाहों से बचने का मामला भी इल्म चाहता है हमें ये इल्म भी होना चाहिए कि कौन सी बात है और कौन सा गुनाह किस दर्जे का है यह भी हम और आपको मालूम होना चाहिए तो गुनाहों से बचने के मामले में सबसे पहली बात जिसकी तरफ हम और आपको तवज्जो देनी चाहिए वो यही है कि हम गुनाहों के बारे में जानकारी हासिल करें मालूम करें कि क्या क्या बातें इस्लामी शरीयत की नजर में गुनाह करार पाती हैं दूसरी बात दस बातों में से दूसरी बात इस्लामी शरीयत मुझको और आपको बताती है अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो इस्लामी शरीयत की नजर में यकीनन गुनाहों के दर्जा गुनाहों के दर्जे कुछ गुनाह हैं जिनको कुफर और शिर्क कहा गया है वह गुना से अकबर का बाहिर है जिससे आदमी दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाता है कुछ गुनाह हैं जिन गुनाहों की वजह से आदमी दायरे इस्लाम से नहीं निकलता लेकिन बड़े बड़े गुनाह हैं लेकिन वही कुछ गुनाह हैं जिनको इस्लामी शरीयत ने गुनाह सगीरा कहा है छोटा गुनाह कहा है इस्लामी शरीयत मुझको और आपको ये एक अदब ये सिखाती है कि देखो गुनाहों से बचने का तरीका ये है कि आप हर गुनाह से बचें आप हर गुनाह से परहेज करें आप हर गुनाह को गैर मामूली समझें वो इस्लामी शरीयत ने जो दर्जा बंदी की है कि कुछ बातें कुफर शिर की हैं कुछ बातें कबार में से हैं कुछ बातें सगैर में से हैं वो शर्य अहकाम और मसाइल के बयान करने के लिए वरना अगर बचने की बात हो तो बचने के सिलसिले में ये नहीं कि छोटे गुनाहों से ना बचें तो चलेगा गुनाहे कबीरा से ना बचें तो चलेगा आप बड़े बड़ी बातों से सिर्फ बचे नहीं ऐसा नहीं हर गुनाह का मतलब बचना ही है हर गुनाह से बचना ही है प्यारे नबी सल्ला वसलम ने यही बात बयान फरमाई अमर तुम भी शई इन फा तुम तो तुम मैं जब किसी बात का हुक्म दो ना जितनी तुम्हारी ताकत है उतना करो लेकिन इधा नही किसी चीज से मैं मना कर दू किसी चीज़ को हराम कर दू किसी चीज को गुना करार दे दू फूह तो उस गुना से बच जाओ आप अगर ये देखेंगे कि कौन सा गुना बड़ा है कौन सा छोटा है छोटे गुना चल सकते हैं क्या नहीं चल सकती इस्लामी शरीयत कहती है आपको सारे गुनाहों से बचना है सुबह अल्लाह बड़ा ताजुब होता है बसा औकात लोग रहा करते हैं फोन पर एक सवाल यह करते हैं कि मौलाना मुझे यह मालूम करना है कि यह जो गुना है यह सगीरा है कि कबीरा है सवाल यह है कि आप यह पूछना क्यों चाहते हैं आप इसलिए पूछना चाहते हैं कि अगर सगीरा हो तो ठीक है वह खुद ब खुद माफ हो जाएंगे नहीं आपको यह नहीं पूछना है कि यह सगीरा है कि कबीरा है जरूरत तो उस वक्त पड़ेगी जब शर्यम को आपको मालूम करना हो कि सगीरा से मुताल तो कोई हुक्म मालूम करना है कबीरा से मुतालिक कोई हुक्म मालूम करना है दायरे इस्लाम से निकालने वाली बातों को जानना है तब आप मालूम करें कि ये गुनाह से मैं दायर इस्लाम से तो नहीं निकल गया आप ये पूछें लेकिन आप ये पूछें यह सगीरा है कि कबीरा है इस पूछने का मतलब ही क्या हुआ सगीरा हो तो परहेज नहीं करूँगा कबीरा हो तो परहेज करूंगा इस्लामी शरीयत आपको बताती है कि यह रविश गलत है, यह तरीका गलत है। अल्लाह के नबी ने कहा इदा नहीं अगर किसी चीज से मैं मना करूं तो तुम रुक जाओ बाज आ जाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को दूसरे अंदाज में समझाया आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहकर जिन गुनाहों को मामूली छोटा समझा जाता है हकीर समझा जाता है ना इन गुनाहों से बचने की फिक्र करो व मुहक्कराति तनूब जिन गुनाहों को हकीर और मामूली और छोटा समझा जाता है इन गुनाहों से बचने की कोशिश करो क्यों अल्लाह के नबी ने कहा इसलिए कि वो छोटे छोटे ही हैं लेकिन जब जमा हो जाते हैं तो मिलकर वह गुनाहे कबीरा या उसके ऊपर भी चले जाते हैं इस्लामी शरीयत हम और आपको यह सबक देती है कि हम अगर गुनाहों से बचना चाहते हैं तो फिर यह सबक याद रखें कि हम और आपको किसी गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए गुनाहों से बचने के मामले में जाविता ये किसी गुनाह को मामूली ना समझो बल्कि सलफ साल बड़ी हमत बरी बात कहते थे कहते थे ला तंदुर बलिंद तुम ये ना देखो कि जो गुनाह मैं कर रहा हूं वो गुनाह कितना छोटा है कितना मामूली है ये दे मत देखो कि गुनाह जो मुझसे हो रहा है वो मामूली है वो छोटा है बलिंद मनता ये देखो कि इस गुनाह से जिसकी नाफरमानी कर रहे अब कितना अजीम है तुम गुनाह जो कर रहे हो छोटा ही है लेकिन इस गुना से जिस रब की नाफरमानी कर रहे हो वो रब कितना अज़ीम है और जब अजीम रब है उसकी बड़ी नाफरमानी भी नाफरमानी है छोटी मोटी नाफरमानी भी नाफरमानी है याद रखो मेरे भाइयों ये जो शगार और कबाइर की बात आप आयतों में पढ़ते हैं अदीस में सुनते हैं इसमें ये बताने के लिए कहा जाता है इंसान होने के नाते कभी कुछ गुना हो जाते हैं तो अल्लाह माफ कर देगा लेकिन शगार और कबाइर का मतलब ये नहीं होता कि आप शगार कर सकते हैं नहीं कर सकते अगर यही होता तो फिर गुनाह में ही शामिल नहीं होते उनको गुनाह ही नहीं कहा जाता इस्लामी शरीयत के को को याद रखें कि किसी गुनाह मामूली ना समझें आप अगर जिंदगी में परहेज करना चाहते हैं गुनाहों से बचना चाहते हैं हर गुनाह को गुनाह समझें हर गुनाह से बचने की कोशिश करें तभी जाकर आपको यह बात समझ में आएगी कि हर गुनाह से बचकर ही आप गुनाहों से बच सकते हैं तीसरी बड़ी बात जिससे हम और आप गुनाहों से बच सकते हैं वो है कि हम और आप गुनाहों के नुकसान के बारे में जानकारी हासिल करें हमारे गुनाह हमारा किस किस किस्म का नुकसान करते हैं हमारे गुनाह किस तरह हमारा और आपका नुकसान करते हैं क्या क्या नुकसान हमारा हमारे गुनाहों से होता है हमें मालूम होना चाहिए जाहिर बात है आदमी दुनिया के या तो किसी मफाद को पाने के लिए किसी लज्जत को किसी मफाद को पाने के लिए गुना करता है या फिर दुनिया में किसी नुकसान से बचने के लिए किसी तकलीफ से बचने के लिए गुना करता है आदमी अगर इन गुनाहों से होने वाले नुकसान को जान ले और फिर उसका मुआजना जिन मफादात को हासिल करने के लिए वो गुना कर रहा है या जिन नुकसान से बचने के लिए गुना कर रहा है उनसे उनका कंपैरिजन कर ले उनका मुआजना कर ले आदमी खुद ब खुद समझदार होगा तो कहेगा कोई बेवकूफ ही होगा कि गुनाह के इतने सारे नुकसान को भुलाकर गुनाह करे हमारा मसला क्या है हम और आप अक्सर बेशर गुनाह के जो नुकसान हमारी जिंदगी में होते हैं या तो इनको नहीं जानते हैं या फिर इनको याद नहीं रखते हैं या गुनाह करते वक्त हमें उनका ध्यान नहीं रहता है वरना आप यकीन करें इन गुनाहों का जो नुकसान है अगर हमें उसका पता रहे और हमें वो याद रहे और हमें उसका अपने दिल के अंदर एहसास रहे इतने बड़े नुकसान हैं कि कोई आदमी इन नुकसान को जानते बूझते गुना करने की तरफ नहीं जाएगा इसीलिए हजरत इबन अब्बास रतुमा कहा करते थे कि जाहिल जो भी आदमी अल्लाह तबारक की नाफरमानी करता गुनाह करता है वो जाहिल है जाहिल किस बात से क्या उसे हुक्म मालूम नहीं कहा नहीं मालूम है गुना है वो हुक्म जान कर भी गुना करता है तो हकीकत में वो ऐसा नादान ना समझ है उसे पता नहीं है कि इस गुना को करके कोई फायदा हासिल कर रहा है कोई लज्जत हासिल कर रहा है या कोई किसी नुकसान से बच रहा है किसी नुकसान से अपने आप को दूर ले जा रहा है इसके मुकाबले में जो नुकसान उसे इस गुनाह का झेलना पड़ रहा है उसकी तरफ से वो जाहिल है उससे गाफिल है ये वो नादान है जो नहीं जानता है। मेरे भाइयों गुनाहों के नुकसान बहुत ज्यादा है वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं गुनाहों के सभी नुकसान को तफसील से बताऊं मैं सिर्फ आपके सामने बुनियादी खुश बातें रखता हूँ कि गुनाहों के, के नुकसान क्या होते हैं सबसे पहला नुकसान ये कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं इंसान जिनको गुना समझता हो या ना समझता हो आदमी को दायरे इस्लाम से बाहर निकाल सकते हैं। अगर वो गुना कुफर के दर्जे क्यों हो अगर वो शिर्क के दर्जे के हो? तो फिर ये वो गुना है जो आदमी को दायरे इस्लाम से बाहर निकाल ले जाते हैं क्या पता आदमी तो अपनी जगह पे समझ रहा है मैं मोमिनाना जिंदगी जी रहा हूं लेकिन काम कुफर के दर्जे का कर रहा है शिरक के दर्जे का कर रहा है ये ऐसे बड़े अकबर कबाइर हैं गुनाहों में भी बड़े ऐसे गुनाह हैं जो आदमी को दायरे इस्लाम से बाहर ले जा सकते हैं सुबह आप जरा सोचो गफलत में लापरवाही में, ला में नादानी में ना समझी में अगर हमने ऐसा कोई गुनाह किया जो इस्लामी शरीय की नजर में कुफर शिर के दर्जे का गुना है तो क्या ये इतना इतना बड़ा सौदा नहीं इतना घाटे का सौदा नहीं कि हमारा इस्लाम हमारा दीन हमसे छिन जाए गुना कभी दिनों ईमान छीन लेता है कभी दिनों ईमान छीन लेता है आज आप देखें हमारे समाज में ऐसा है कि बहुत सारे लोग गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुक के दौरान बहुत सारे लोग अहले बिदत के साथ ताल्लुक के दौरान सियासत के नाम पर हो या दोस्तियां निभाने के नाम पर हो या समाज में अपनी इमेज अपना मुकाम बहाल बाकी रखने के नाम पर हो या रिश्ते नातों को निभाने के नाम पे हो कितने ऐसे गुनाहों में शरीक हो जाते हैं, हिस्सेदार होते हैं जो गुना इस्लामी शरीयत की नजर में कुफर के दर्जे के गुना है। क्या पता आदमी का दिनों ईमान भी बचता है कि नहीं बचता है याद रखें इस्लामी शरीयत की नजर में गुनाहों का एक नुकसान अगर वो गुना कुफर शिर के दर्जे के हैं तो दायरे इस्लाम से आदमी को बाहर निकाल सकते हैं। और अगर दायरे इस्लाम से निकालने वाले ना हो तो फिर दूसरे दर्जे में गुनाहों का नुकसान ये होता है कि बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जो हमारे और आपके अमाल को बर्बाद कर देते हैं हमारे और आपके अमाल और नेकियों को बर्बाद कर देते हैं ये गुना गुना भी है और नेकियों को बर्बाद करने वाले भी हैं आपने अहले इल्म की जबानी सनवान पर बड़ी लंबी गुफ्तगु सुनी बर्बादी अमाल के असबाब अमाल किन गुनाहों से बर्बाद होते हैं आपने बड़ी तफसील से सुना है मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा बर्बाद कर देता है आपको निकियों से दूर ले जाता है इस्लामी शरीय मुझको आपको बताती है कि अल्लाह तबाह गुनाहों की जो सजाएं देता है ना आखिरत में तो सजाएं हैं लेकिन आखिरत से पहले दुनिया में अल्लाह ताला गुनाहों की बहुत सारी सजाएं देता है उनमें से एक सजा यह भी है कि अल्लाह ताला गुनाहों के बदले में आपको नेकियों से दूर कर देता है अल्लाह ने फरमाया फम खलवत फसोल में आयत की तफसीर करते हुए लिखा जब बंदा ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाता है अल्लाह ताला इबादत का जौक ओक शौक उसके दिल से छीन लेता है इबादत का शौक और लजतों की बंदगी दोनों साथ नहीं चल सकते अल्लाह की मोहब्बत और गुनाहों की मोहब्बत दोनों बराबर एक साथ नहीं हो सकते जिस कदर गुनाहों से ताल्लुक मजबूत होगा अल्लाह से ताल्लुक हमारा और आपका कमजोर होगा गुनाहों से जितनी नजदीकी होगी नेकियों से उतनी दूरी होगी ये गुनाह मुझको और आपको नेकियों से दूर ले जाते नेकियों से महरूम कर देते इन गुनाहों की सजा ये भी है गुनाहों की एक सजा ये भी होती है कि गुना एक गुना आदमी करता है अल्लाह ताला बतौर सजा दूसरा गुना उसके लिए आसान कर देता है दूसरे गुना का रास्ता उसे आसान कर देता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान फरमाई का व इयाकुम वल यहदी फजूर लोगों को झूठ बोलने से बचो झूठ से बचो क्यों इसलिए कि झूठ तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा बेदीनी के कामों की तरफ लेकर जाएगा गुनाहों की ये सजा है कि एक गुना के बाद आदमी को दूसरा गुना जो है अल्लाह ताला उसके तरफ ढकेल देता है इसकी भी तफसील है मैं तफसील में जाना नहीं चाहता मैं सिर्फ मोटे मोटे अल्फाज में गिनाना चाह रहा हूं कितने नुकसान हमारे सामने होते हैं और इन गुनाहों की सजा ये भी होती है कि बंदा गुनाहों की सजा के तौर पर

हमारी अपनी मुस्त जो नमतें हमारे मुकदर में थी उनसे अल्लाह ने महरूम कर दिया गुनाहों का एक नुकसान ये भी होता है कि जो मौजूद नमतें हैं वो नमतें छीन ली जाती जो हासिल नमतें हैं वह नमतें मुझसे आपसे छीन ली जाती हैं गुनाहों का ये नुकसान होता है कि गुनाह हमसे हमारी नेमतें छीन ले जाते हैं कितने ऐसे लोग हैं अच्छे साहेब गुनहगार जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ने ऐसे उनकी दौलत छीनी के पता नहीं चला अच्छे मुकाम पर थे इज्जत थी शोहरत थी अल्लाह तला ने गुनाहों की सजा ऐसे दी कि सब कुछ छीन लिया मेरे भाइयों गुनाहों की सजा आदमी को ऐसे भी मिलती है कि आदमी की जिंदगी से अल्लाह ताला तकून इतमान की दौलत खत्म कर देता है बे बेचैनी आदमी की जिंदगी में सुकून नहीं आदमी के दिल में बेचैनी आदमी के दिलो दिमाग में इसतराफ आदमी कलक परेशानी की जिंदगी में मुस्तकिल जी रहा होता है मेरे और आपके गुना मेरी और आपकी जिंदगी का सुकून छीन लेते हैं गुनाहों का एक नुकसान ऐसे भी होता है कि हमारे और आपके घर में जो हमारे फरमा बरदार हैं जो हमसे नीचे हैं कभी वो हमसे नाराज़ होते हैं और जो हमसे ऊपर है समाज में ओहदे में मुकाम में कभी वो नाराज़ होते हैं बात कहा करते थे कि हम तो ये देखा करते हैं कि जब कभी मैं नाफरमानी करता हूं मेरी नाफरमी की नहूसत की सजा मेरी बीवी के की नाफरमानी की शक्ल में देखता हूँ कुछ कहा करते थे मैं गुनाह करता हूं तो मेरी गुनाह की नाफरमानी मेरी गुनाह की सजा मैं अपने जानवर की सरकशी जिसमें मैं सवारी करता हूँ वो जानवर सरकशी पे उतर आता है कई मरतबा ऐसा होता है कि जो हमसे अच्छे थे दोस्त थे ताल्लुकात थे, सब कुछ थे वो हमसे मुतनफिर हो जाते हैं उनके दिलों में नाराजगी पैदा हो जाती है उनके दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा हो जाती है हम किसी जगह काम कर रहे हैं कोई कोई हमारा सरपरस्त हम है है हमसे ऊपर जिम्मेदार है हमारे बारे में अच्छे ख्याल रखता था अचानक उसकी राय हमारे बारे में तब्दील तब हो जाती है हम अक्सर कहते हैं पता नहीं क्या हुआ पिछले हफ्ता दो हफ्ते से देख रहा हूं मुसलसल हर बात पे मुझे डांट रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हुआ है मेरे भाइयों

मुझसे बड़ी जबरदस्त कीमत वसूल करने वाला है अब गुना करूंगा थोड़ा सा फायदा होगा या थोड़े से नुकसान से बच जाऊंगा थोड़ा सा मजा आएगा या थोड़े से अपने किसी मफाद का हिफाजत कर ले जाऊंगा गुना करके लेकिन यह गुनाह जो कीमत वसूल करेगा बड़ी महंगी कीमत मुझे अदा करनी पड़ेगी जो नुकसान मुझे झेलने पड़ेंगे ना वो नुकसान इस कदर सी आता है कि कोई अक्लमंद समझदार इंसान गुनाह करने की हिमाकत नहीं करेगा आप यकीन करें हजरत अन्हुमा ने जो कहा ना कि मन जाहिल। जो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है वो जाहिल है हकीकत में ये बात हमारी और आपकी जिंदगी की अक्कासी हमारा मसला यही है कि गुना करते वक्त या तो ख्वाहिशात का गलबा या गफलत का परदा यह हमारे और आपकी नादानी लामी उस दर्जे में होती है कि हमें कुछ याद नहीं रहता याद भी रहता है तो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते इस वजह से हम गुनाह कर जाते हैं अगर इन गुनाहों के नुकसान को याद रखेंगे यकीन माने हमारे और आपके लिए गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा आप बताओ एक गुना करो दो गुना करो और इतने सारे नुकसान को झेलना पड़े तो अकलमंदी का काम है कोई समझदारी का सौदा है कोई अक्लमंद ऐसा सौदा कर सकता है कि वक्ती तौर पर गुना करके इतने सारे नुकसान को झेले नहीं हो सकता हम गुनाहों से बचना चाहते हैं तो गुनाहों के नुकसान को जानकर सीख कर हमेशा उनको याद रखें मुस्तहदर रखें अपने दिलो दिमाग में दोहराते रहें जितना याद दिलाएंगे ना उस कदर गुनाहों से बचने का जज्बा और इंदिया हमारे और आपके अंदर पैदा होगा भाई और चौथी बात कि जिसके जरिए हम और आप गुनाहों से बच सकते हैं वो ये कि देखो अल्लाह ताला ने जहां नेकियों का हुक्म दिया नेकियों के असबाब अल्लाह ने रखे वैसे अल्लाह ताला ने गुनाहों से रोका है तो गुनाहों के कुछ असबाब होते हैं जो असबाब हमें गुनाहों तक ले जाते हैं गुनाहों में मुबतला करते हैं गुनाहों से बचने का सबसे आसान फार्मूला यह है कि वो रास्ते जो गुनाहों तक ले जाए उन रास्तों पर ना चलो वो काम जो तुम्हें गुनाहों में मुबतला करे वो काम ना करो वो जो मुझको और आपको गुनहगार बना दे असबाब से बचने की कोशिश करो इल्म ने एक बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया तो अल्लाह ताला ने उसके मुकदमा को भी हराम करार दिया आदमी अगर किसी अजनबी औरत गैर महरम औरत की तरफ देखता है ये नजर जीना की पहली मंजिल हुआ करती अल्लाह ने जीना को हराम किया तो जिना के जो असबाब हो सकते हैं किसी अजनबी औरत को देखना अल्लाह ने हराम करार दिया किसी अजनबी औरत को गैर महरम औरत को छूना चाहे मुसाफा करने की हद तक हो इस्लामी शरीयत ने उसे हराम करार दिया किसी अजनबी औरत के साथ तनहा रहना इस्लामी शरीयत ने उसे हराम करार दिया किसी औरत का मर्दों के दरमियान इख्तिलात इस तरह के मर्द औरत और दोनों जिसको कहते हैं मिंगल होना एक ही मजलिस में इधर मर्द है उधर औरत है इधर औरत बैठी उधर मर्द बैठा ये वो चीजें हैं जहां से गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं इस्लामी शरीयत ने गुनाहों के असबाब पर पाबंदी लगाई मेरे भाइयों आज हमारी जिंदगी में गुनाहों के होने की जो बड़ी वजह वजह है है ना वो ये है कि हम असबाब को छोड़ना नहीं चाहते गुनाहों से बचना चाहते कैसे होगा सबब आप इख्तियार करेंगे तो सबब तो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा आप अगर एक रास्ते पे चलेंगे और सफर जारी रखेंगे तो सरस्ता तो खुद ब खुद मंजिल तक आपको पहुंचाएगा गुनाहों के असबाब से बचो गुनाहों के असबाब से बचोगे तो फिर गुनाहों से बचना आपके लिए मुमकिन होगा और अगर असबाब से नहीं बचा तो फिर यूं समझिए कि गुनाहों से बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा अल्लाह जिसको तोफीक दे दे ऐसा ही कोई बंदा हो सकता है कि गुनाहों का असबाब इख्तियार करके गुनाह तक पहुंच जाए और फिर उसके दिल के अंदर ईमान जागे ईमान मजबूत हो और वो कहे नहीं नहीं मैं गुनाहों से रुक जाऊंगा ऐसे उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद हो सकते हैं वरना जो असबाब इख्तियार करते हैं अंजाम तक जरूर पहुंचते हैं। वो असबाब क्या हैं? बहुत सारे असबाब उनमें से एक बड़ा सबब मैं आपको बताऊं हमारी तनहाई तनहाई हमारे और आपके समाज में आज ये जो तनहाई का जो माहौल है ना चाहे आप अपनी जगह तनहा रहे या किसी गैर महरम के साथ तनहा रहे आपकी हमारी तनहाइया हमारी जिंदगी में गुनाहों को दरवाजा खोलती हैं और आप हमसे ज्यादा इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि तन्हाइया हमसे कैसे कैसे गुनाह करवाती हैं इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो इसबाब आज के हमारे माहौल में नजर आते हैं ये हमारा और आपका मोबाइल और इंटरनेट तक हमारी और आपकी रसाई फेसबुक तक व्हाट्सएप तक और मोबाइल की चैटिंग तक और दूसरे जो भी इसबाब है इंस्टाग्राम है वगैरह वगैरह आप तो जानते हैं इस एक मोबाइल के जरिए इतने गुनाहों के दरवाजे हमारे और आप पे खुले हैं और ये गुनाह सिर्फ बेहयाई की हद तक नहीं आप ये ना समझे कि ये सिर्फ बेहयाई तक की बात है बेहयाई की बात तो बिल्कुल वाजे बेहयाई की बात तो आप सब समझते हैं बेहयाई की बातों के अलावा भी कितने ऐसे दरवाजे हराम कमाई के दरवाजे इस इंटरनेट की दुनिया से हम पर खोले हैं कितने ऐसे रास्ते हैं जहां से आदमी धोखाधड़ी के रास्ते सीखता है कितने ऐसे दरवाजे जहां से आदमी लोगों के साथ झूठ बोलना सीखता है पता नहीं कितने गुनाह हैं जो इस मोबाइल के जरिए मेरी और आपकी जिंदगी में आते हैं याद रखो मेरे भाईओ ये मोबाइल अगर हमारी और आपकी बंदगी में मुआन और मददगार है अल्लाह की बड़ी नहमत ये अल्लाह की रहमत है और अगर अल्लाह ना करे ये गुनाहों में ले जाने का सबब है तो फिर ये मेरे और आपके लिए जहमत और वबाल है शैतान हमारे पीछे लगा रहता है हम कहते हैं लेकिन क्या कभी हमने सोचा हमारा अपना मोबाइल ही हमारे साथ लगा हुआ शैतान है अगर इससे खैर के बजाय शर होता है या शर ज्यादा होता है तो आप यूं मान लीजिए जीता जाता है, एक तरह से शैतान है शैतान ने गोया अपने आप को इस शक्ल में भी हमारे साथ लगा के रखा हुआ है मेरे भाइयों इस मोबाइल ने कैसे कैसे फितनों का दरवाजा खोला है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं सोच कर देखो इस मोबाइल के रास्ते से और खास तौर पे स्मार्टफोन की जो बात है आप जानते हैं ये तलवार है इससे बनने वाले बहुत कुछ बन जाते हैं और बिगड़ने वाले बहुत बुर, बहुत बुरी तरह बिगड़ते हैं कितना बिगड़ते हैं पता है आपको लॉकडाउन की ये जो मुद्दत गुजरी है ना लॉकडाउन की ये जो मुद्दत गुजरी अभी पिछले दो ढाई साल का जो अरसा गुजार के हम निकले इसमें तो ये हुआ है कि ना बालिग बच्चे ना बालिग बच्चियां जो नौ उम्र हैं कम उम्र हैं उन बच्चों के सामने इस मोबाइल ने फितनों के हजार दरवाजे खोले हैं हम अगर इस मोबाइल के फितरे से अपने आप को नहीं बचा सके कैसे हम गुनाहों से बच पाएंगे याद रखो मेरे भाइयों आप अपने साथ खैर का ही करना चाहते हैं बहुत आसान है अगर ना गुनाहों से नहीं बच सके मोबाइल से बच जाओ देखो आपकी जिंदगी में कितने गुनाहों से बचने का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा असबाब बहुत सारे मैंने जैसे कहा ना गुनाह के असबाब बहुत सारे गुनाहों के असबाब से बचें उन्हीं में से एक बहुत बड़ा सबब है बुरी सोहबत बुरे दोस्त बुरा माहौल बुरी बस्ती बुरा मोहल्ला बुरा बुरी गली याद रखो मेरे भाइयों आदमी अपने माहौल से मुतासर होता है अपने साथियों से मुतासर होता है आपके साथ उठने बैठने वाले अगर अच्छे लोग होंगे आपकी सोहबत अच्छी होगी इसीलिए तफसील में गए बिना दो जुमले सिर्फ कह रहा हूं हर बुरी सहबत हर बुरे मुकाम से अपने आप को दूर ले आओ और अच्छे लोगों की सोहबत तलाश करो कि यहीं से आपको गुनाहों से बचने का सबक मिलेगा अच्छे लोगों के साथ रहेंगे नेकी का जज्बा आपकी फितरत में अल्लाह ने रखा है वो तरोताजा रहेगा वो आपकी जिंदगी में और तरक्की करता जाएगा अपने आप को अच्छों की सोहबत में रखो बुरों की सोहबत से बचाने की कोशिश करो वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं लेकिन मैंने मुख्तर कहा गुनाहों के जितने इसबाब हो सकते हैं आप अपनी जिंदगी में सोचें गुना होता है आप जरा पलट कर देखें यह गुना मुझसे क्यों हुआ इस गुना तक मैं कैसे पहुंचा आप अगर उल्टे कदम सोचने के आदि हो जाए आप खुद पता लगा लेंगे हर गुना के पीछे कौन सी चीज सबब बनी थी आदत डालें इसकी आप गुना हो गया एहसास है आपको आप देखें ये गुना मुझसे क्यों हुआ अपने आपको जो बैक ट्रैक करें अपने जहन को उल्टी चाल चलाएं और जब आप उल्टी चाल चलाएंगे आपको खुद पता चलेगा सबब कहां से आगाज कहां से हुआ था अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करें पांचवा सबब पांचवा सबब जो है वो ये कि हम और आप अपने आप को दो चीजों का पाबंद पांचवा और छठा सबब मैं आपके सामने रख देता हूं वो ये कि हम अपने आप को दो चीजों को का पाबंद करें वो क्या है अलाम अबी ने कईम रमत ने लिखा है गुनाहों से बचने के दो रास्ते गुनाहों से बचने के बुनियादी तौर पर दो रास्ते है। एक है मोहब्बत का रास्ता दूसरा है खौफ का रास्ता और जो बंदा मोहब्बत और खौफ दोनों को साथ में लेकर चलता है वो गुनाहों से बच जाता है महब्बत किस चीज की अलाम इब्न कैम ने लिखा अल्लाह की महब्बत रसोल्लाह की महब्बत दीन की महब्बत जन्नत की महब्बत जन्नत की नमतों की महब्बत ये कहाँ से मिलेगी आपको सीखना पड़ेगा अल्लाह से मोहब्बत रसोल्लाह से महब्बत दीन से महब्बत जन्नत से महब्बत और जन्नत की नमतों और वहाँ की लज्जतों की महब्बत आपको याद रखनी होगी अगर आपने इस मोहब्बत को अपने दिल में बसा लिया ना मोहब्बत अगर गालिब आएगी तो फिर गुनाहों की मोहब्बत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और जब ये मोहब्बत ना हो ये ये मोहब्बतें कमजोर पड़ जाएं तब हमारे और आपके लिए गुनाह आसान हो जाते हैं इब्न कयम ने लिखा यह रास्ता है कि आप अपने आप को गुनाहों से बचा ले जाएं कि यह मोहब्बत आपके अंदर हो अल्लाह की मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत दीन की मोहब्बत जन्नत की मोहब्बत और जन्नत की नहमतों की मोहब्बत और दूसरी चीज कहा जो कि छठी चीज है हमारी तरतीब के हिसाब से आपके मेरे अंदर खौफ होना चाहिए खौफ किसका अल्लाह का डर होना चाहिए अल्लाह के अजाब का डर होना चाहिए जहन्नम का डर और जहन्नम में पाए जाने वाले मुख्तलिफाब इनका डर हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए और ये कैसे पैदा होगा कसरत से जन्नत का तस्करा पढ़ा करो सुना करो कुरान में जन्नत का तस्करा आया है कसरत से जहन्नम का तस्करा अजाब का तस्करा कौमों की हलाकत का तस्करा कसरत से सुना करो पढ़ा करो बार बार अपने आप को याद दिलाओ तो यहां से हमारे और आपके लिए गुनाहों से बचने के लिए वो जो मोहब्बत अल्लाह की आनी चाहिए वो जो डर अल्लाह तला का आना चाहिए ये दोनों चीजें खुद ब खुद आ जाएगी यह पांचवा और छठा रास्ता जिससे हम और आप गुनाहों से बच सकते हैं सातवां रास्ता छोटी छोटी करके मैं अपनी बात तीन मिनट में समेटना चाहूंगा वक्त खत्म हो रहा है मेरा देखिए पांचवी बात ये हमको याद रखनी चाहिए हम अक्सर धोखे में इसलिए रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पे पर्दा डालता है हम बड़े गुनहगार हैं सलफ सालिहीन कहा करते थे अगर गुनाहों की कोई बदबू होती तो कोई मेरे करीब ना बैठा करता ये सच है हम सब के अंदर इतने गुनाह हैं कि अगर यकीन माने गुनाहों की कोई बदबू होती दुनिया की बड़ी से बड़ी उमदा खुशबू इस्तेमाल करके हम बड़े बदबूदार होते ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हम पे पर्दा डाला हुआ है आज हमारा मसला ये है कि हमने इस पर्दे को अपने आप के लिए एक मौका समझ लिया है हमें ये याद रखना होगा कि अल्लाह व तआला मोहलत देता है मोहलत देता है मोहलत देता है लेकिन अल्लाह ताला हमेशा मोहलत दे ये जरूरी नहीं कभी अल्लाह ताला सरे आम हमारे गुनाहों को जाहिर कर कर सकता है हम धोखा दे रहे हैं धोखा दे रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है एक दिन ऐसे रंगे हाथों पकड़े जाओगे कि सारी धोखाधड़ी एक झटके में बाहर आ जाएगी लोगों को झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है पता नहीं चल रहा है एक दिन झूठ ऐसे पकड़ा जाएगा कि आम जो है रुसवा हो जाओगे दुनिया के हर गुना ऐसे ही बेहयाई के गुनाहों दूसरे गुनाहों हम अगर गुनाह करते जाते अल्लाह पर्दा डाल रहा है तो ये ना समझे कि अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है पर्दा रहेगा हमेशा अल्लाह ना जाने कब अल्लाह ताला इस पर्दे को फाश कर देगा चाक कर देगा अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों के साथ कब समाज के सामने नंगा कर देगा अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए मेरे भाइयों ये बात याद रखो कि अल्लाह मोहलत देता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको हमेशा अल्लाह तबाह रखो ताला पर्दा डाल कर ही रखेगा डरो उस दिन से कि जिस दिन अल्लाह ताला फजीहत करेगा लोगों के सामने रसवाई का सामना करना पड़ेगा और अगर दुनिया में रसवाई ना हुई रोजे महशर तो रसवाई होगी रोजे महशर तो रसवाई होगी कि सरे आम आपके गुनाहों का चर्चा होगा सारे लोगों के सामने मेरे और आपके गुनाह होंगे ऐसे दिन की रसवाई से बचने के लिए अपने आप को गुनाहों से बचाओ इस सबक को याद रखो कि अल्लाह की मोहलत देने का मतलब हमेशा की छूट नहीं अल्लाह तला कभी भी पकड़ सकता है यह सातवां सबब है आठवां सबक जिससे हम और आप गुनाह करते हैं गुनाह से बच सकते हैं वो ये कि जब कभी गुनाह करने का मौका आए ना दिल ख्याल करे दिल उभारे तो आप अपने आप को याद दिलाओ कोई और देखे ना देखे किसी और के देखने ना देखने से फर्क पड़े ना पड़े अल्लाह रबल कम से कम देख रहा है ये अल्लाह व तआला के देखने का एहसास पैदा होगा दिल में शर्मिंदगी पैदा होगी दिल में डर पैदा होगा दिल में एहसास पैदा होगा एहसास नदामत आएगा गुनाह के वक्त में अल्लाह ताला की याद कर लेना यह गुनाह से बचने का बड़ा कारगर हथियार है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसी कई मिसालें अल्लाह के नबी ने बताई लोगों के वाकियात में कि जहां ऐन गुनाह के वक्त में अल्लाह के डर ने लोगों को गुनाह से बचा लिया बनी इसराइल के तीन आदमी गार में फंसे थे तीनों ने अपने अपने गुनाहों के अपनी नेकियों को याद करके दुआ की तो एक आदमी ने यह याद किया कि अल्लाह ते अल्लाह ताला मैंने गुनाह के लिए आमादगी ऐसे कर ली थी कि अपनी चाचा बहन से जिना के लिए आमादा हो गया था और जिना के सारे इस्बाब इख्तियार करके उस मुकाम पर पहुंच चुका था कि जहां अब सिर्फ जिना का आखिरी मरहला बाकी था कि सामने वाली उस लड़की ने कहा अल्लाह से डरो कहता है अल्लाह मैंने उसी वक्त छोड़ दिया क्या मतलब गुनाह के वक्त अगर आदमी के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो ना तो फिर आपके लिए गुनाह से बचना आसान हो जाएगा अपने आप को ये याद दिलाएं जब कभी गुना आता है कि कोई और देखे ना देखे इस वक्त अल्लाह ताला देख रहा है आपके अपने दिल में शर्मिंदगी का एहसास पैदा होगा ये आठवां सबब है और नौवां सबब जिससे हम और आप गुनाह से बच सकते हैं वो ये अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए हम सब गुनहगार हैं लेकिन ये बात याद रखें कि गुनाहों से अगर नहीं बचेंगे गुनाहों वाली जिंदगी चलती रहेगी हमें पता नहीं मौत का अचानक आ जाएगी क्या पता कि गुनाह कर रहे हो अचानक मौत आ जाए क्या पता कि गुनाह में डूबे हुए उसी हालत में मौत का झटका आ जाए मौत आने के लिए कितने सेकंड चाहिए मौत के लिए आदमी को कितने सेकंड चाहिए कोई घंटा भर वक्त चाहिए जरूरी नहीं ये जो आप देखते हैं ना ये अल्लाह की मोहलत है अगर अल्लाह पकड़ने पाए झटके में मौत आ सकती है और आप सोचें हम ऐन गुनाह में हो और उस वक्त अगर मौत आ गई तो कैसी हमारी और आपकी मौत होगी ये सोय खातिमा की अलामत होगी अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए अल्लाह हमारे गुनाहों की सजा ऐसी ना दे अल्लाह हमें मुआव फरमाए लेकिन बचें अपने आप को याद दिलाएं कि कहीं गुना करते करते मेरा खातिमा ना हो जाए सुय खातिमा ना नसीब हो जाए इस बात से आप और हम डरे ऐसे भी हम अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं और आखिरी बात जो आज के दर्श में मैं कहना चाहूंगा गुनाहों से बचने के सिलसिले में वो ये है कि अपने आप को ये बात याद दिलाएं कि हमें अपने गुनाहों से बचना है तो तौबा सच्ची करनी पड़ेगी देखिए हम और आप तौबा करते हैं हमारी तौबा अधूरी होती है सच्ची तौबा क्या है सच्ची तौबा सबसे पहले तो गुनाह पे शर्मिंदगी हो हम गुनाह से तोबा करते हैं लेकिन क्या हमें गुनाह पे शर्मिंदगी वाकई हम अपने आप में शर्मिंदा हैं गुनाह पे शर्मिंदगी हो आइंदा ना गुनाह ये गुनाह दोबारा ना करने का पक्का इरादा हो अज्म हो पक्का इरादा और अज्म हो तभी जाकर हमारी और आपकी तौबा और अल्लाह के सामने मुआफी के तलबगार हो जब तौबा सच्ची होती है तो फिर यह तौबा गुनाहों की राह में रुकावट भी बनती है और अगले गुनाहों की में भी बनती है। लेकिन जब तब तौबा अधूरी हो कि तौबा जबान से कहते रहे अल्लाह के सामने हाथ उठा भी रहे हाथ उठाए बगैर अस्त पढ़ भी रहे हैं लेकिन दिल में गुनाह की मोहब्बत बसाए हुए हैं अभी गुनाह से दिल ने पीछा नहीं छुड़ाया गुना की मोहब्बत से पीछा नहीं छुड़ाया है तो फिर ऐसी अधीरी अधूरी तौबा मेरे और आपके गुनाहों की माफी का भी सबब नहीं बनेगी और वहीं मेरे और आपके लिए गुनाहों से बचने का सबब भी नहीं बन पाएगी सच्ची तौबा मुझको और आपको गुनाहों से बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती है हाजिरी ने गिरामी मैंने जैसे गुफ्तगु के आगाज ही में कहा गुनाहों से बचने के रास्ते जो इस्लामी शरीयत ने बताई बहुत सारे मैंने सिर्फ उनमें से दस आपके सामने मुंतखब किए और दस के बारे में भी मैंने कहा ना आपके सामने कि इसकी तफसी आपके सामने मुकम्मल नहीं रखी जा सकती मैंने कोशिश की कि जो वक्त मेरे पास था उसमें इन्हीं दस बातों को समेट लो लेकिन इसके बावजूद ये कहूँगा कि बात अधूरी है लेकिन जितनी बातें हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है मोमिन के लिए यह कह देना काफ़ी है कि गुना से बचने का हुक्म तुम्हारे रब का हुक्म है गुना से बचने की तालीम तुम्हारे नबी की तालीम है इसी बात को जहन में रखते हुए कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी वल्लधि न इश्तनीबू न कबास्म मोमिनों का मामला ये है कि वो गुनाह कबीरा और बेहयाई के बातों से बचते हैं इसको याद रखते हुए अल्लाह से, से दुआ करता ताला से पहले खुद मुझे और फिर आप सभी खीन को हर किस्म के गुनाहों से बचने की तोफ़ी खतः फरमाएं हमारे जो गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको, उनको दरगुजर फरमा दे गुनाहों से बचने को आसान कर दे और गुनाहों के रास्ते को अल्लाह पर मुश्किल कर दे अल्लाह तबार कोताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए आमीन व आखिर अनिल्लामीन